प्रणाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आ चुकल बानी हम ममता तिवारी राउर पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके। ए प्रोग्राम में हम बताई ले इंडस्ट्री से जुड़ल वुमनिया लोग के खबर, माने हीरोइन लोग के खबर। लेकिन प्रोग्राम के नाम वुमनिया बटे तो ये मतलब नहीं कि खाली हीरोइने के खबर बताएं। ए प्रोग्राम में हम इंडस्ट्री के हीरो लोग के भी खबर बताई ले, माने वो खबर बताई ले जो होखेला ताज़ा तरीन। हाँ, ऐसा नहीं कुछ खबर लेके हाजिर बनी। हमेशा के हमारा रूल बटे कि हम प्रोग्राम के अंत में एगो मैसेज चाहे केहू सवाल के जवाब दही ले जो दर्शक लोग पूछेला। आज भी हम एगो मैसेज लेके आयल बनी जो अंत में बताएं। लेकिन उससे पहले, मैसेज आने से पहले जाने के पड़ी इंडस्ट्री स्टार लोग से जुड़ल ये ताज़ा तरीन खबर। देखी, भोजपुरी सिनेमा की आइकन क्वीन अक्षरा सिंह इन दिनों अपनी नई नई फिल्मों को लेकर चर्चाओं में है। लेकिन फिल्मों से ज़्यादा अक्षरा सिंह अपने गानों को लेकर चर्चाएं बटोर रही हैं। उनके आज में गाए हुए काफ़ी सारे गाने दर्शकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अक्षरा ने इंडस्ट्री में अपने बदले रूप से सभी को चकित कर दिया है, क्योंकि हाल ही में जहाँ अक्षरा ने अकेले स्टेज संभाला तो वहीं अक्षरा ने गानों पर बहुत कम समय में शानदार प्रतिक्रिया पाई है। अक्षरा जहां जाती हैं उनसे मिलने के लिए, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ लग जाती है। हाल ही में अक्षरा एक इवेंट में पहुंची जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, क्योंकि इस वीडियो में अक्षरा के साथ सेल्फी लेने वालों की लाइनें लग चुकी थी। हालांकि अक्षरा ने अपने फैंस को निराश नहीं किया, लेकिन लगातार फैंस के सेल्फी लेने से अक्षरा परेशान हुई और वहां से निकल गई। वेल, इतना प्यार तो अक्षरा को सिर्फ तभी मिलता था जब वो पवन के साथ दिखाई देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अक्षरा ने इंडस्ट्री में अकेले पहचान बनाने की ठान ली है। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म दबंग सरकार का प्रमोशन शुरू हो चुका है। जी हाँ, भले ही इस समय पर खेसारी ने अभी तक अपनी फिल्म का प्रमोशन नहीं किया हो, लेकिन इस फिल्म की हीरोइन यानी कि आकांक्षा अवस्थी ने अपने फेसबुक के जरिए अपने इस फिल्म का प्रमोशन करना शुरू कर दिया है। और सोशल मीडिया पर आकांक्षा अवस्थी इस फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन बॉक्स में लिखी है, बहुत जल्द मैं आ रही हूँ आप सभी लोगों से मिलने। और फिलहाल तो खेसारी लाल यादव ने आकांक्षा अवस्थी के साथ मिलकर फिल्म का प्रमोशन नहीं शुरू किया है, लेकिन बहुत जल्द इसे शुरू करने वाले हैं, क्योंकि खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि ये फिल्म 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और उससे पहले खेसारी लाल यादव अपने इस फिल्म का प्रमोशन ज़रूर करेंगे। वाल, आपको बताना चाहेंगे कि खेसारी लाल यादव के साथ साथ इस फिल्म की पूरी टीम अपने इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी और उसकी मेकिंग दोनों ही बहुत अलग अंदाज के साथ बनाया गया है। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया से प्रियंका की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा की नवोदित अदाकारा चांदनी सिंह जिस तेजी के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही हैं और वो भोजपुरी के लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी निरहुआ कल्लू हो, या फिर राकेश और या फिर यश कुमार मिश्रा क्यों ना हो, हर किसी के साथ चांदनी ने एल्बम और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि चांदनी सिंह ने खेसारी के साथ पहला एल्बम करने के बाद अब तक वो जितने भी एल्बम में काम की है, चाहे वो जितने भी अलग अलग स्टार्स के साथ नजर आई हैं, हमेशा वो शादीशुदा के रोल में ज़्यादातर दिखाई दी हैं, चाहे वो पवन के साथ सावन के गाने की बात करें, या फिर कल्लू के साथ हाल ही में रिलीज हुई देवी गीत की, या फिर निरहुआ के साथ शूट हो रहे एल्बम सॉन्ग की बात, हर किसी में वो उनकी रील की पत्नी का रोल निभाती हैं और दर्शक चांदनी को अब तक इसी रोल में सबसे ज़्यादा पसंद करते आए हैं। और शायद यही कारण है कि चांदनी सिंह ने अभी तक ना तो अपना रोल बदला है और ना ही अपना लुक। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से प्रियंका की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा में अपने बोल्ड अंदाज से लोगों का दिल जीतने वाली मोनालिसा अब इंडस्ट्री से बाहर हो चुकी हैं। जी हाँ, उन्होंने अब टीवी जगत में एंट्री की है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि मोनालिसा को टीवी जगत में कितना प्यार मिल रहा है लोगों से। हाँ, ये मेरा पहला स्टार परिवार अवार्ड्स में एज अ परफॉर्मर, एज अ सदस्य मैं आई हूँ। पिछली बार आई थी एज एन एज जस्ट एन इन्वाइटी, तो इस बार मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ और मेरा जो शो है उसमें मैं डायन का रोल कर रही हूँ। मेरा नाम किरदार है मोहना और मोहना को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। और आज का शाम तो मतलब परफॉर्मेंस के साथ मैं धमाका करने वाली हूँ। मेरा एक बहुत ही
क्या बोलते हैं सेक्सी हॉरर एक्ट है, तो उसके लिए हमने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है. सो मेरा फेवरेट सॉन्ग दिलबर दिलबर एंड उसके साथ मेडली यार ना मिले. और आपका शो को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो क्या रिएक्शन है और क्या बिल्कुल मैं मुझे इतना प्यार दिए हैं और मैं नॉमिनेटेड भी हूँ, तो देखते हैं अगर. बट मेरा तो मेन अवार्ड यही है कि लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, वो मेरा मेन अवार्ड है. बट लेट्स सी इफ आई गेट समथिंग. अगर बात करेंगे, बिल्कुल बस तो जो भी शो आ रहे हैं स्टार प्लस में, सारे शोज़ के इतने अच्छे बज़ हैं. बट सॉर्टी इज़ अ डिफरेंट ऑरा ऑल टुगेदर. मतलब उसके पहले सीजन में भी इतना ज़्यादा बज था, तो इस बार तो डेफिनेटली होगा. तो मुझे स्टाइल किया है प्रणव ने, जो हमारे शो का ही डिज़ाइनर है, तो मुझे ये साड़ी उसी ने ड्रेप करके दिया. थैंक यू. बस अभी ले जाने भोजपुरी सिनेमा की लूलिया गर्ल निधि झा इन दिनों अपनी नई नई फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं, क्योंकि उनके एनर्जेटिक अंदाज का हर कोई कायल है. यही कारण है कि उन्हें लीड रोल में एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी हैं और उनके नाम पर फिल्में सिनेमाघरों में हिट भी होती हैं. वेल, निधि ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री से लगभग सारे सितारों के साथ काम किया और दर्शकों ने पसंद भी किया. हाल ही में निधि अपने एक इंटरव्यू में रितेश की तारीफ करती नजर आईं और उन्होंने बताया कि रितेश उन्हें इसलिए पसंद हैं क्योंकि रितेश की आवाज़ बहुत मीठी है और वो शांत स्वभाव के इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं. निधि ने बताया कि मेरी फिल्म ट्रक ड्राइवर में रितेश मेरे बॉयफ्रेंड की भूमिका में थे और उनके साथ सेट पर मैं जितनी मस्तियां करती थी वो चुपचाप सह लेते थे, इसलिए बॉयफ्रेंड के बाद अब सीधे वो मेरे हीरो बनने जा रहे हैं फिल्म यारा तेरी यारी में. हम नजर आएंगे जिसमें हमारे साथ अरविंद अकेला कल्लू भी हैं और ये तीन दोस्तों की दिलचस्प कहानी पर आधारित है जिसमें आप लोग मेरे कई तरह के सेट्स को देखेंगे. नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट. भोजपुरी सिनेमा की लैला काजल राघवानी, जिन्हें आप लोग फिल्म में हर अलग अलग रोल में देखा होगा, कभी माँ के रोल में तो कभी बहन के रोल में तो कभी पत्नी के रोल में. लेकिन रियल लाइफ की अगर बात करें तो काजल आज भी एक अंदर से छोटी बच्ची की तरह है, जो कि काजल को काफी ज्यादा पसंद है इस तरीके से रहना. जी हाँ, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आज काजल राघवानी सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें शेयर करती हैं जिन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो किसी इंडस्ट्री की इतनी बड़ी फेमस हीरोइन है, क्योंकि काजल खुद भी बच्चों की तरह ही रहना पसंद करती हैं और उन्हें छोटे बच्चों से काफी ज्यादा लगाव है. और इसी वजह से काजल राघवानी ने अपने इंस्टा पर एक छोटे से बच्चे की तस्वीर शेयर की है जिन्हें काजल बहुत ज्यादा प्यार करती हैं. और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि काजल राघवानी ने जिस बच्चे की तस्वीर को शेयर किया है वो कोई और नहीं बल्कि काजल की बहन का बच्चा है, जिनके जन्म के समय भी काजल काफी ज्यादा खुश हुई थी और उन्होंने उस समय भी उसकी कई तस्वीरें अपने इंस्टा अकाउंट पे शेयर की थी. नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से प्रियंका की रिपोर्ट. चले गए समय हो चुकल बा, अगला प्रोग्राम में होके मुलाकात. ऐसा ने ताजा तरीन खबर मैसेज तो बताइले ना कि भूल गई बनी ऐसे बता देता नहीं. मैसेज भेजले बड़े रानी देवी लिखा तारे, रीना देवी लिखा तारे कि हम आम्रपाली के बहुत बड़ा फैन बनी, प्लीज़ आम्रपाली के नंबर मिल सकेला का. हम बहुत कोशिश कर ले बनी उनका से मिले खातिर, लेकिन नहीं ही मिल पावत, राउरे हमर मदद कर सकेले. तो अगर सुन रहा बड़ी आम्रपाली दुबे तो रीना के मैसेज पर गौर ज़रूर फरमाएं. फिलहाल खातिर इतना ही, अगला प्रोग्राम में होगी मुलाकात ऐसा ने ताज़ा तरीन खबर आ नया नया मैसेज का साथ. लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी इजाज़त, प्रणाम.